उदयपुर पुलिस ने चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। उदयपुर पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने आज उदयपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए बताया कि गोगुंदा थाना पुलिस ने बदमाशों से 40 मोटरसाइकिल, एक पिस्टल और दो जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। ही 19-20 साल के करीब के लड़के हैं जो मौज मस्ती के लिए और अपनी जो शौक पूरे करने के लिए, महंगे शौक पूरे करने के लिए मोटरसाइकिलें, तिरपाल, डीजल, इस तरह जो भी चोर उनको अवेलेबल होता था वो चोरी की वारदात करते थे। इनसे पूछताछ पर टीम ने करीब करीब 23 मोटरसाइकिलें बरामद करी हैं, जिसमें से 20-21 तो पूरी है और कुछ के इन्होंने इंजन खोल के आगे बेचने की इनकी प्लानिंग थी। इसके अलावा बाकी इसमें अगली पूछताछ जारी है। उदयपुर, पाली, चित्तौड़, सिरोही, प्रतापगढ़, बूंदी, कोटा, अलग अलग सर्किलों के वाहनों, मंदिरों में इस तरह की चोरी की वारदात इन्होंने कबूल की है।